Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों, simple harmonic motion यानी SHM यानी oscillations के सारे concept video पाने के लिए join button पर click करें या फिर इस number पर call करें. On pouring 10 gram mercury in a test tube of mass 8 gram and external diameter 2 cm, the test tube floats vertically in water. Float कर रही है, अभी हिल नहीं रही है. ये मरकरी डाल लेते हैं इसके अंदर. ये भरा हुआ है मरकरी, ठीक है, इसमें डाल लिया है. तो ये दोनों सेम टेस्ट ट्यूब है. ये फर्स्ट कंडीशन में दिखा रहे हैं, ये सेकंड कंडीशन में दिखा रहे हैं, ठीक है. 10 ग्राम डाला गया है तो, और उसका खुद का मास कितना है, 8 ग्राम, ठीक है. तो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास m, क्योंकि यही काम आने वाला है हम लोग के. तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 ग्राम, यानी कि 18 बाय 1000 केजी. एक्सटर्नल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1/100 मीटर है. ये भी काम आएगा आगे. The test tube is pressed down into the water and left. Test tube को उठा के नीचे थोड़ा दबाया गया और फिर उसको छोड़ दिया गया. Prove that the motion of the tube will be simple harmonic motion. Also find its time period. Assume that the effect of viscosity of water is negligible. यानी कि हम लोगों को viscous force का formula कहीं नहीं लगाना होगा, viscosity नहीं कंसीडर करनी है, और लेकिन बॉयंसी तो कंसीडर करनी पड़ेगी. बॉयंसी क्यों कंसीडर करनी पड़ेगी देखते हैं. देखिए, इसे एक तो इसका बॉटम लेवल मैंने ले लिया इस लेवल पे, ठीक है, वाटर की जो लाइन है उसी को हम लोग रेफरेंस लाइन बोल रहे हैं. ये बॉटम था, ये उठ के यहां आ गया, तो एक तरीके से इन दोनों बॉटम्स के बीच में जो डिफरेंस है या हाइट डिफरेंस है उसे मैं नाम दिए दे रहा हूं क्या, y, ठीक है, y दिए दे रहा हूं. क्या किया गया, इसको पकड़ के ऐसे दबा दिया गया, तो ये पॉइंट यहां पहुंच गया. मतलब ये दो टेस्ट ट्यूब नहीं है, एक ही टेस्ट ट्यूब है. दिस इज बिफोर प्रेसिंग एंड दिस इज आफ्टर प्रेसिंग. और फिर इसके बाद ऐसे छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता जाएगा. अगर हम लोग बनाए, अभी तो वैसे SHM प्रूव करना है, लेकिन आप बात को समझिए, अगर हम लोग बनाए तो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे कहीं हो जाएगी. सर हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं क्या, लेंस नहीं है भैया, ठीक है. तो ये एक तरीके से आपने ये जो y लिखा है यही y यहां पे दो बार हो जाएगा, ये y और ये y, है ना. ये सबसे नीचे वाली पोजीशन, ये मीन पोजीशन, और ये सबसे ऊपर वाली पोजीशन. इन एक्सट्रीम और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ये ऐसे ऐसे चलती रहेगी. ये आपको समझना है, और फिर अब हमें इक्वेशन से इसे बॉयंट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ये प्रूव करना है कि ये SHM में चल रहा है. सबसे पहले तो आप इतना जितना बना है सुंदर डायग्राम, आप इसे कॉपी करिए. तो अब जब आदमी इसको नीचे दबा रहा है ऐसे, तो ये वापस कैसे आ रहा है, मैंने दो बार उसका नाम लिया, वो है बॉयंट फोर्स. कोई इसे नीचे दबा रहा है तो वापस ये ऊपर बॉयंट फोर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है. तो हम लोग बोलेंगे कि F रेस्टोरिंग इज इक्वल टू F बॉयंट, ठीक है. F रेस्टोरिंग तो अपना ये मास F इज इक्वल टू ma वाला चलेगा,
है ना। लेकिन एफ बॉयंट क्या होता है बच्चों? होता है रो जी वी। लेकिन आपकी बुक जो है वो सिग्मा का यूज कर रही है। सिग्मा क्या होता है देखते हैं। थोड़ा सा ये डीप थॉट वाला सवाल है, प्रूव दैट भी है, इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूं। सिग्मा हम लोग ले लेंगे डेंसिटी ऑफ वॉटर को। क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पर इसे अज्यूम करना ही पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ वॉटर इज 10^3 केजी पर मीटर क्यूब। आप बोल सकते हैं सब कुछ ऐसे लिखा जा रहा है हजार हजार करके, तो मैं यहां पे 1000 लिख दे रहा हूं। ठीक है, बॉयंट फोर्स का ये फॉर्मूला होता है सिग्मा, या बल्कि हम लोग ने तो ये पढ़ा है रो जीवी, लेकिन यहां पे लिख रहे हैं सिग्मा जीवी। मैं केवल आपके बुक के कन्वेंशंस को मैच कर रहा हूं। इस तरह का एक जो एग्जांपल है वो आपकी बुक में थ्योरी पोर्शन में ही दिया हुआ है। मैं बता देता हूं किस नाम से दिया हुआ है। अ फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर SHM, ऑप्शनल में भी है वो, और वहां पे लिखा है ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी इन अ लिक्विड। तो मैं तो भाई यहाँ पे इसको करे ले रहा हूं, वह ऑप्शनल है तो भी चलेगा। ठीक है, अब जी तो आप जानते ही है 9.8 है, कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको तो समझाना भी नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद अपना है वी। वी देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा पोर्शन इमर्स्ड। ठीक है, वॉल्यूम इमर्स्ड इन वॉटर, बल्कि मैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम लिखना पसंद करूंगा यहां पे। अब देखते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम कहां आता है। वो इसको मैं वी लिए ले रहा हूं। देखो अगर हम लोग ध्यान दें यहां पर, तो पहले इतना वॉल्यूम बाहर था है? और अब इतना ही वॉल्यूम बाहर है। तो एक तरीके से अगर हम लोग इधर देखें कि कोई पॉइंट पहले, ये जब इधर से नीचे उतर के आया है, कोई पॉइंट पहले यहां रहा होगा, वो उतर के यहां आ गया। वैसे ये मतलब ये पॉइंट तो इधर आएगा, लेकिन मैं कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूं। जो ये लेवल लाइन अगर मान लो, चलो ऐसे कर्व में होगी ना, वो लेवल लाइन उतर के यहां पे आ गई है। तो एक तरीके से इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा इसके अंदर धंसा दिया गया है, है ना। अगर ये चलो कलर से पढ़ेगा तो और मजा आएगा और समझ में आएगा। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मैं बात कर रहा हूं वो अभी आपको और समझ में आएगा। देखो ये वॉल्यूम पहले हवा में था, अब ये वॉल्यूम पानी में आ गया। अब तो समझ गए होंगे, इसी को मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वॉटर ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। उसका नाम मैंने वी ले लिया है। वी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? इसका देखो रेडियस आर था, ये भी तो एक सिलेंडर टाइप का होगा पतला सा। इस पतले सिलेंडर की ये हाइट हो जाएगी, जो हाइट वाई ही होगी, है ना। अरे भाई जितना ये पॉइंट नीचे आएगा उतना ये पॉइंट नीचे आएगा, हर पॉइंट उतना ही नीचे आएगा अगर देखा जाए तो, है ना। तो ये V जो हो जाएगा इस रेडियस R के हिसाब से, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। आप चाहें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी एक बार यहां पे दिखा देते हैं। V इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई वाई। A की जगह आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई। ये काम हम लोग कर सकते हैं। चलो अब MA इज इक्वल टू सिग्मा G, चलिए जैसा बुक कर रही वही कर ले। AY भी वो अलग से शो कर रहे हैं। और फिर अब उसके बाद आपका बच गया A,
सिग्मा ए वाई जी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, बल्कि वाई को इसको हम लोगों को अलग से आइसोलेट करना पड़ेगा। जरा इतना कॉपी करिए। तो चलो अब हम लोग अलग कर लेते हैं इसको, चाहे जैसे लिखो, यहां पे y आ जाएगा डिवाइडेड बाय m आ जाएगा सिग्मा ए जी या सिग्मा जी ए, कुछ भी लिख लो, ठीक है, ये आ गया। अब ये चीज तो जानी पहचानी है, कैसे हम लोग कंपेयर कर लें किससे, कंपेयर विद a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y, ये तो SHM की इक्वेशन हो जाती है और ये भी SHM की इक्वेशन जैसा आ गया, तो अब हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये SHM कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट होता है, आप देखते हैं सिग्मा कांस्टेंट है क्या, हाँ भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड भर लो, तो यहाँ 1000 की जगह कुछ और हो जाएगा, तो सिग्मा तो कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कॉन्स्टेंट है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ट्यूब तो बदली नहीं जा रही है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, मास हम लोग शुरू से ही ले चुके हैं 18/1000 यानी कि मास ऑफ मरकरी प्लस मास ऑफ ट्यूब वो भी कांस्टेंट ही है, तो ये चारों चीजें ही कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो a मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वाई, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वाई, इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ SHM जैसा दिख रहा है, कंपेयर विद इक्वेशन ऑफ SHM, देयरफॉर द क्या बोल रहे हैं लोग, टेस्ट ट्यूब बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर द टेस्ट ट्यूब इज प्रेस्ड डाउन एंड प्रूव दैट द मोशन ऑफ द ट्यूब विल बी SHM, ठीक है, देयरफॉर द मोशन of the tube will be SHM, simple harmonic motion, hence proved, ठीक है। अब कुछ लोग यहां पे बोलेंगे कि सर ये सब तो ठीक है लेकिन हम तो ये जानते हैं कि यहां पे माइनस साइन होता है, आपका माइनस साइन नहीं आ रहा है, तो अगर हम लोग ये बोल दें, यहां पे देखो यार हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग वेक्टोरियली देखें तो MA जो है वो नीचे की साइड होएगा और सिग्मा GV जो है वो ऊपर की साइड होगा, बॉयंट फोर्स देखो ना, अगर हम लोग बनाए तो बॉयंट फोर्स जो है एफ बॉयंट ऊपर है और रेस्टोरिंग फोर्स वहीं से आ रहा है, ठीक है, आप प्रेस कर रहे हैं नीचे और बॉयंट फोर्स उसे ऊपर ले जा रहा है, तो हमारे एक्शन के विरुद्ध काम हो रहा है, इसलिए हमें शुरू से ही यहां पे एक माइनस साइन ले लेना चाहिए था वेक्टोरियली जीरो करने की वजह से, हालांकि एग्जाम में अगर ये माइनस साइन आप मिस भी कर देते हैं तो ये प्रूव दैट तब भी हो जाएगा, तब आप चुपचाप यहां जब कंपेयर करिएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई की बात ना करें, बस इतना आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जितना मैंने लिखा है वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोई सवाल उठा सकता था माइनस वाला, इसलिए वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये ध्यान रखिएगा आप जिस डायरेक्शन में उसको प्रेस कर रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स उसके उल्टी डायरेक्शन में आ रही, इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया, वेक्टोरियल एडिशन में हम लोग जब करेंगे तो एक तरीके से MA प्लस सिग्मा GV इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे ना, तो इसको इस साइड ले आए तो माइनस सिग्मा GV आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है, हम लोग कंपेयर करके हेंस प्रूव्ड वाला काम हम लोगों ने कर ही लिया है, लेकिन अभी और भी भारी काम बाकी है कि हम उसका टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड,
तो ना हमें ओमेगा पता है और ना ही हमें टाइम पीरियड पता है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। अब कंपेयर जब कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा जी ए डिवाइडेड बाई एम। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा जी ए डिवाइडेड बाई एम। लेकिन टी क्या होता है? टू पाई बाई ओमेगा होता है। तो टी अगर मान लीजिए इसमें पूछा जाता है व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूब, तो बस यही हमारा आंसर हो जाता। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, सिग्मा जी ए डिवाइडेड बाय एम, ये भी एक आंसर हो जाता अगर ये पूछा जाता, लेकिन नहीं पूछा गया है तो ऐसी कर लेते हैं, सही है ना। अच्छा, अब टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू पाई इंटू, अब ये वन बाई ओमेगा हो गया ना एक तरीके से, अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई सिग्मा जी ए, ये कर सकते थे। अब देखो यार, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोगों ने ले लिया है तो ये चीज हर तरह के शेप की ट्यूब के लिए वैलिड होता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गोल ट्यूब ही एसएचएम करेगी। हो सकता है हम लोग बक्सा ले लें और बक्से को, मतलब ऐसा लंबा बक्सा ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन जो है स्क्वायर हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगल हो, वो भी बैलेंस करके हम लोग एसएचएम करा सकते हैं। क्रॉस सेक्शन किसी भी शेप का हो सकता है, ये चीज ये दर्शा रही है। लेकिन अभी हमें आगे करना है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए वो हम लोग कर लेते हैं। अब फिर से यहाँ पे जगह की कमी पड़ रही है, तो जो भी कुछ लिखा है वो मैं मिटा रहा हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब इस फॉर्मूले को अंत में अप्लाई करना ही पड़ जाएगा। ओमेगा का फॉर्मूला तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो वैसे भी ओमेगा कैलकुलेट नहीं करना था, कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कर लेंगे। देखिए 2 पाई एम कितना है भाई, देखो उधर से 18/1000। सिग्मा कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। बहुत ही तेजी में ये 1000 ये 1000 मत काट दीजिए, गलत हो जाएगा। जी कितना है 9.8, 10 दे देते तो क्या बिगड़ जाता इनका। चलो ए बहुत ही खतरनाक है। देखो अगर ए की बात करें तो ए कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है लिख लेते हैं, थोड़ा सा ए का काम कर लें, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना है 1/100 का होल स्क्वायर। अच्छा होता कि अगर हम लोग शुरू से ही सारा काम ऐसे करते हैं, 10^-2 तो 10^-4 मीटर स्क्वायर, समझ गए ना, 1/100 10^-2 उसका स्क्वायर 10^-4। ठीक है भाई, ए ये हो गया पाई 10^-4 डिवाइडेड बाई 1। अब उल्टा पलटी करेंगे, ठीक है थोड़ा सा अब यहां पे जगह की कमी पड़ रही है मुझे तो। अच्छा उल्टा पलटी करेंगे तो देखिए रूट पाई यहां पे आए, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं अच्छे से आपको दिखाई दे, 18/1000 इंटू 1/1000 इंटू 9.8 इंटू पाई इंटू 10^-4। ठीक है, अब ये देखो 3 है और ये एक 4 है, तो इसे खत्म कर दो, ठीक है इसे इन 3 जीरो से और इसे खत्म कर दो, थोड़ा सा आराम रहेगा। ये पाई जो है इधर से आएगा तो वो रूट पाई बन जाएगा, है ना। टी इज इक्वल टू
टू रूट पाई। अब इधर तक तो आते आते कोई भी आदमी हार मान लेगा कि भैया आप बनेगा नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग करेंगे। देखो 9.8 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 980 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई सही चल रहा है कि नहीं है, बताइए आप लोग कुछ किया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज अब यहाँ पे करना पड़ जाएगा भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01836 इस टाइप का कुछ आता है, लेकिन अंदर अंदर अभी अंडर रूट का काम नहीं हुआ। रूट पाई क्या होता है ये आप याद कर सकते हैं, 1.772, ठीक है। अभी भी काफी दिक्कत देने वाला लग रहा है। 2 इंटू अब 1.772 इसकी वैल्यू अगर निकालिए तो वो आती है 0.136। अब आप खुद करके देखिए बच्चों, अगर आप ये सब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.4802 भी है शायद, ठीक है सेकंड। तो हमारा भी यही आंसर आ रहा है, अप्रोक्स करके उन्होंने लिखा ही हुआ है। तो यार ये लाइन फालतू में मैंने बना दी थी, काफी परेशान भी कर रही थी ये लाइन, तो यहीं पे हो गया। टी इज इक्वल टू 0.48 सेकेंड, ये अपना टाइम पीरियड आ गया। तो अच्छे से करिए, थोड़ा सा कठिन सवाल तो था ही लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आईटीजेई में आते हैं और हम लोगों ने किया है 21 मिनट में। बट बच्चों आप जब खुद करेंगे या आईटीजेई में आएगा तो आपको ये टाइम पीरियड की वैल्यू निकालने के लिए नहीं आएगा, आपको आएगा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए, आपको आएगा ओमेगा का एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए। तो इसलिए करना जरूरी भी था,